मंदसौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ में स्टाफ नर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है। स्टाफ नर्स ने एक गर्भवती महिला और उसके परिवार को ऐसा प्रताड़ित किया कि अस्पताल के बाहर महिला ने रो रो कर अपबीती सुनाई। हालात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी स्वयं मेडिकल ऑफिसर इसे मीडिया स्टंट बताते नजर आए। दरअसल शनिवार सुबह नाहरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिला वर्षा पति सुनील पुरोहित अपने गांव नागर पिपलिया से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ में परिवारजनों के साथ प्रसव हेतु पहुंची। प्रसूता को यहां मौजूद स्टाफ नर्स जागृति बिलौदिया के ने सामान्य स्थिति होने के बावजूद भी तुरंत जिला मुख्यालय मंदसौर के लिए रेफर कर दिया और बिना रेफर पेपर दिए अस्पताल से बाहर निकाल दिया। अस्पताल से बाहर निकालते ही प्रसूता की पीड़ा बढ़ने लगी और एम्बुलेंस के इंतजार में प्रसूता बाहर बैठे परेशान होती रही, लेकिन मानवता की मारी स्टाफ नर्स ने प्रसूता को अस्पताल में अंदर रखना उचित नहीं समझा। परिवार वालों ने लाख मिन्नतें की, लेकिन नर्स मैडम का रोब ऐसा कि उन्होंने किसी की ना सुनी। खैर, एम्बुलेंस आने के बाद परिवार मंदसौर जिला अस्पताल पहुंचा और सामान्य प्रसव भी हुआ। लेकिन यदि नाहरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र की स्टाफ नर्स जागृति बिलौदिया थोड़ी मदद गरीब परिवार की करती तो डिलीवरी भी वहीं होती और प्रसूता को अधिक पीड़ा का सामना भी नहीं करना पड़ता। स्टाफ नर्स की लापरवाही की खबर ये कोई नई बात नहीं है। नर्स मैडम इससे पहले भी अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से चर्चा में भी रही हैं और आए दिन इसी तरह से ग्रामीण परिवार परेशान होते रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि स्टाफ नर्स की इस लापरवाही पर उन्हें फटकार लगाने की बजाय मेडिकल ऑफिसर लापरवाही के सालम का बचाव करते नजर आए और डॉक्टर साहब ने प्रसूता की पीड़ा और उसका रोना मीडिया स्टंट बता दिया। नाहरगढ़ नगर के जागरूक नागरिक भी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन के से नाराज हैं और ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि शासन की मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी आम जनता की मदद ना करने वाले ऐसे नुमाइंदे पर उचित कार्रवाई करना चाहिए, ताकि शिवराज सरकार के बेहतर स्वास्थ्य के दावे गांव अंचल में इस तरह खोखले साबित ना हो। 3 बजे हम यहाँ 108 एम्बुलेंस से तो यहाँ आई, तो इससे पहले जो मैडम थे उन्होंने बोला कि आधे घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद 9 बजे दूसरी मैडम आई तो उन्होंने कहा बाहर निकलो, नहीं होगी तुम्हारे, नहीं होगी, और रेफर का कागज और कुछ नहीं दिया और बाहर निकाल दिया। लगभग आधा पौन घंटा, मतलब 45 मिनट से ज़्यादा ही रहे बाहर। मेरी ये मांग है कि हॉस्पिटल में सुधार होना चाहिए। ये तो मैं भी गरीब हूँ और आने वाला गरीब है। हॉस्पिटल में मरीजों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, बिना रेफर के बिना कहे कैसे बाहर निकाल देते। आज जो घटना घटी है, ऐसी घटनाएँ आम घटती रहती है नाहरगढ़ हॉस्पिटल में। ये विषय बन गया है नाहरगढ़ हॉस्पिटल का कि यहाँ की जो स्टाफ है, नर्स स्टाफ है, वो हमेशा ऐसे हरकतें करते रहता है। यहाँ की स्टाफ मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करता है, डिलीवरी के समय उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसा कि कोई ज़बरदस्ती या घुसाया अस्पताल में हो या उनसे भीख मांग रहा हो। ऐसी घटनाएं ये स्टाफ लोग करते रहते हैं। आपने अभी तक कहाँ तक शिकायत करी है? अभी तक की शिकायत की तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन आज जो घटना हुई है इसमें जागृति बिलौदिया नाम की जो सिस्टर हैं उनकी पहले भी बहुत सारी रिपोर्टें हुई हैं, बहुत सारी शिकायतें हुई हैं, उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। इससे पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि नाइट उनकी ड्यूटी थी, कोई महिला प्रसव के लिए आई थी, दर्द हो रहा था और उन्होंने बोल दिया कि अभी स्टाफ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, और उनको भगा दिया। से ऐसी घटना आज हुई है, महिला आई, उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने उपचार के लिए उन महिला को बुलाना था लेकिन बुलाया नहीं और बाहर से भगा दिया कि यहाँ स्टाफ नहीं है, आप यहाँ से जाइए, आप कहीं भी प्रसव कराइए। ये घटनाएं आम होती जा रही है, नाहरगढ़ पूरा अस्पताल इसकी ओर ध्यान देता ही नहीं है। आज सुबह 5 बजे प्रसूता भर्ती हुई थी यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ में, नागर पिपलिया की वर्षा नाम की महिला। उसको अभी सुबह 10 बजे के लगभग रेफर कार्ड दिया गया और वो उसको रेफर किया गया जननी 108 के द्वारा। जो नर्स है उसकी लापरवाही है आरोप है उनका? नहीं, इसमें किसी स्टाफ की कोई लापरवाही नहीं है। उसको यहाँ हॉस्पिटल में ही रखा गया था, तब उसके परिजनों द्वारा नर्स के साथ बदतमीजी की गई। नहीं, मीडिया जब आई वो बाहर थे, बाहर जो दर्द भी हो रहा था प्रसूता, वो मीडिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए बाहर बरामदे में बैठ गया और जिससे कि उसको लोगों की सिंपैथी मिले। सर, मैं भी लगभग आधे घंटे से था। उसको लोगों की सिंपैथी मिले इसलिए वो बाहर गया, नहीं तो यहाँ अंदर ही बिठाया गया था, उसको बुलाया गया, नहीं आना चाहता था अंदर।
मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।